नमस्कार, मैं आज आप सब लोगों को हार्दिक बधाई देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान एवं तिरुपति संस्कृत विद्यापीठ को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में प्रोन्नत किया गया है। यह हम सभी संस्कृत प्रेमियों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। इसके लिए मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनका सपना है कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाया जाए। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जो संसाधन, जो ज्ञान चाहिए, वह सब संस्कृत से होकर के गुजरता है, यह उन्हें पूरा विश्वास है। इसलिए उनकी संस्कृत के प्रति महती श्रद्धा है और वो अपने भाषणों में प्रायः संस्कृत की सूक्तियों का उल्लेख करते हैं। उनके नेतृत्व में मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इन विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिणत करके यह सिद्ध कर दिया कि अब वह समय आ गया है जब संस्कृत के ज्ञान विज्ञान को दुनिया के सामने फिर से प्रस्थापित किया जाए और लोक कल्याण की जो भावनाएं हमारे ऋषियों के द्वारा, हमारे आचार्यों के द्वारा दी गई हैं और संस्कृत के शास्त्रों में वो पड़ी हुई हैं, जिनका प्रकाशन नहीं हो पाया है, उनको दुनिया के सामने प्रकाशित किया जाए, जिससे लोक मंगल की कामनाएं की जा सकें, लोक कल्याण का कार्य किया जा सके। मित्रों, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ 1962 में स्थापित हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन गृह मंत्री और बाद में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी अध्यक्षता में इस विद्यापीठ की स्थापना की गई और उनके आकस्मिक निधन के बाद इस विद्यापीठ को लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से ही जाना जाने लगा। उन्होंने कई बार अपने हृदय की बात को अपने भाषणों से व्यक्त किया था और कहा था कि भारत की राजधानी में, इस दिल्ली में, हमें एक इस तरह का संस्कृत का केंद्र बनाना है जो न केवल राष्ट्रीय अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, जहां देश विदेश के विद्वान आ सकें, शोध कर सकें और यहां के शोध को देख सकें। उस दृष्टि से इसके विकास का कार्यक्रम प्रारंभ से ही चलाया गया। संस्कृत एक न्यू है, एक आधार है जिस पर आज भारत की प्रायः सभी भाषाएं बनी हैं, खड़ी हुई। और इतना ही नहीं, एक भारत की संस्कृति सारी, भारत के जो कुछ धार्मिक भावनाएं हैं, वो सब संस्कृत में निहित हैं, संस्कृत में छिपी हुई, चाहे स्तोत्र हो, चाहे मंत्र हो, चाहे ऋचाएं हो, जो भी हैं वो सब संस्कृत में हैं। और उनकी वाणी का आज भी एक जबरदस्त असर और प्रभाव हर एक भारतीय पर पड़ता है। और इसलिए आज ये जो संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना है, ये एक सुंदर कल्पना है। कुछ वर्षों से ये चल रही है, लेकिन इसने इधर एक तेजी से प्रगति की, काम इसका आगे बढ़ा है, शोध का काम भी आगे बढ़ा है, एक सुंदर पुस्तकालय का भी प्रारंभ हुआ है जिसको एक अंतर्राष्ट्रीय रूप देना है, और भी दूसरे काम पठन पाठन के आज संस्कृत विद्यापीठ कर रहा है। जैसा कहा गया, इसकी कल्पना, हमारी आकांक्षाएं बड़ी हैं। हम इसको एक ऐसा केंद्रीय केंद्र बनाना चाहते हैं जहां केवल भारत के ही लोग नहीं,
बल्कि विदेशों से भी लोग आकर यहाँ रहें, संस्कृत पढ़ें, सीखें, यहाँ के शोध के काम को, रिसर्च को उसे देखें, और यदि वो रहकर यहाँ कुछ संस्कृत पर काम करना चाहते हैं तो वो भी करें। तो इस रूप में हमारा विचार है कि विद्यापीठ एक आदर्श संस्था बने और इस राजधानी के अंदर उसका स्वरूप वही होना चाहिए जो कि ऐसी संस्था के लिए स्वाभाविक है। यह विश्वविद्यालय 1971 तक जैसे तैसे चलता रहा, किंतु 1971 में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के साथ जुड़ गया। भारत सरकार की योजना के अंतर्गत इस विद्यापीठ को वित्तीय सहायता राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से प्राप्त होने लगी और 1987 में इसे पुनः अलग करके मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और स्वतंत्र रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत कार्य करने लगा। यह सारा कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अंतर्गत यह कार्य करने लगा। मैं बधाई उन आचार्यों को भी देना चाहता हूँ जिन्होंने एक सपना देखा और इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्न किया। इसमें डॉक्टर मंडन मिश्र जी को हम याद कर सकते हैं। डॉक्टर मंडन मिश्र जी ने अथक परिश्रम से विद्वानों का संग्रह किया, इसको एक स्वरूप दिया और मानित विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद प्रोफेसर वाचस्पति उपाध्याय, जिन्होंने 1994 में कुलपति का कार्यभार ग्रहण किया, इस विद्यापीठ को विश्वविद्यालय के रूप में व्यवस्थित करने के लिए, स्थापित करने के लिए उन्होंने बहुत काम किया और बहुत प्रकार के संसाधन जो विश्वविद्यालय में अपेक्षित होते हैं उनका विकास किया। उनकी ऐसी निपुणता थी जिसके आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता प्राप्त करने में उन्हें जरा सा भी कठिनाई नहीं होती थी। इस तरह से यह एक विकसित और व्यवस्थित विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करता रहा। मैं जब 2015 में पहली बार कुलपति बना तो मेरे लिए यह चुनौती थी कि यह विश्वविद्यालय जो लाल बहादुर शास्त्री जी के सपनों का विश्वविद्यालय है उसको उस रूप में विकसित करना है जैसा वो चाहते थे। इसलिए प्रारंभ से ही मैंने अपने आचार्यों से निवेदन किया कि इसे एक ऐसे संस्कृत के विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठापित करने की हमारी योजना है जिसे पूरे दुनिया के लोग जाने, दुनिया के लोग यहाँ आकर के कार्य करें और इस कार्य में आप सब लोगों की सहायता अपेक्षित है। तो मैं इस बात को बड़े हर्ष के साथ बताना चाहता हूँ, इस योजना में हमारे विद्यापीठ के सभी आचार्यों ने, सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने, यहाँ तक कि सभी छात्रों ने बड़ा सहयोग किया। पिछले 5 वर्षों में उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिससे इस विद्यापीठ का स्तर बहुत ऊपर गया और विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अथवा मंत्रालय के द्वारा प्रदान की गई उसको बड़ी कुशलता से संपन्न किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पूरे संस्कृत के पाठ्यक्रम को पीजी लेवल पर एक ई टेक्स्ट के रूप में तैयार करने की योजना मुझको दी, जो विश्वविद्यालय के आचार्यों ने और देश के विभिन्न संस्कृत के निष्णात विद्वानों ने मिल करके तैयार की। बड़ी कुशलता के साथ उसको ईपीजी पाठशाला के अंतर्गत पोर्टल पर उपस्थापित किया गया, जो आज भी चलता है। बहुत सारे विश्वविद्यालयों के छात्र उससे अपना ज्ञान संवर्धन कर रहे हैं। उसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षक शिक्षण मिशन के अंतर्गत ये
योजना मुझे समर्पित की जो इस विद्यापीठ में TLC के नाम से जाना जाता है। पिछले 3 वर्षों से लगातार यह योजना बड़ी सफलता के साथ चलाई जा रही है और हजारों अध्यापकों शोध छात्रों ने इस योजना का लाभ लिया है। विविध प्रकार की कार्यशालाएं, विविध प्रकार के सेमिनार, विविध प्रकार के प्रशिक्षण, लेखन एवं व्यक्तित्व विकास के कार्यक्रमों द्वारा उनका प्रशिक्षण किया गया, उनको लाभ पहुंचाया गया है। इस विश्वविद्यालय को आगे बहुत काम करना है। जब हमारे सभी आचार्य आकर के मुझे बधाई दे रहे थे तो मैं उन्हें कह रहा था कि ये बधाई मैं स्वीकार करता हूँ, मेरे लिए स्वीकार्य है, इसे स्वीकार करता हूँ और आप सब लोगों से एक विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी समझें, इस विश्वविद्यालय को और आगे ले जाने के लिए जो वर्तमान संदर्भ में इन शास्त्रों की प्रासंगिकता का प्रश्न प्रायः उठता है उस पर शोध करने की जरूरत है और हमारे शास्त्रों में निहित जो ज्ञान विज्ञान है, आज के समाज के लिए जो उपयोगी तत्व हैं, उनको प्रकाशित करना है, संस्कृत विद्या का पूर्णतः विकास करना है। संस्कृत हमारी चेतना है, संस्कृत हमारी संस्कृति है, इसलिए भारत का प्राण इसे कहा जाता है। अगर दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा रही है, भारत को लोगों ने पहचाना है, तो संस्कृत के कारण पहचाना है। उस संस्कृत को हमें जीवन में उतारने की जरूरत है। भाषा के रूप में इसका अभ्यास स्वयं करना है, अपने छात्रों को निरंतर कराते रहना है। आपका प्रत्येक व्यवहार पूर्णतः संस्कृतमय हो, यह आपको ध्यान रखना है। अब तक आपने बहुत कुछ किया है लेकिन यही पर्याप्त नहीं है, आगे और बहुत कुछ करना है। मेरी इच्छा है कि इस परिसर में पूरी तरह से संस्कृत का वातावरण हो, इस कैंपस की भाषा संस्कृत हो प्रथमतः, उसके उपरांत आप जहां रहते हो वहां के परिवेश में, वहां के पर्यावरण में संस्कृत ही संस्कृत दिखाई दे, ऐसा आपका व्यवहार होना चाहिए। जब तक भाषा के रूप में संस्कृत को हम प्रतिष्ठित नहीं करते, इसे जनभाषा के रूप में नहीं लेते हैं, गाँव में, गलियों में, चौराहे पर, सर्वत्र जब तक लोग सब संस्कृत बोलने समझने नहीं लगते हैं, तब तक हम लोगों का कार्य पूरा नहीं होता है। इसे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित होने के बाद हमारा ये दायित्व तो बढ़ जाता है कि हम आज के विज्ञान के साथ जुड़ करके आगे बढ़ें और अपने उस ज्ञान को जो मानवीय चेतना के प्रसारण के लिए, उसके विकास के लिए, मानवीय मूल्यों के विकास के लिए अपेक्षित है, उनको आज के विज्ञान के माध्यम से जोड़ें, विज्ञान के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार करें। हमारा उद्देश्य होना चाहिए मानव निर्माण का, न कि मशीन निर्माण का। जो मशीन बनाने का युग चल रहा है, जिसमें संवेदना नहीं है, इस तरह के मानव से कभी विश्व कल्याण नहीं हो सकता है। विश्व कल्याण के लिए आवश्यक है कि हम मानवीय मूल्यों पर जोर दें, तब जाकर के इस विश्व का कल्याण हो सकता है। और इस विश्व का कल्याण करने का साहस या धैर्य या शक्ति कहें तो भारत में है, और भारत में यह शक्ति इसलिए है कि हमारे पास जो भारतीय मनीषा है, हजारों हजार वर्ष की जो परंपरा है, उसमें जो निहित ज्ञान है, वही इसका मूल आधार होगा। हमारे प्रधानमंत्री इसीलिए कहते हैं, इसके लिए जरूरी है कि यह भारत श्रेष्ठ भारत बने, पहले जैसा गौरवशाली विश्व गुरु वाला भारत बने और वह अखंड भारत हो सकता है। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा प्रधानमंत्री जी दिया करते हैं और इस की श्रेष्ठता के लिए इसके स्वच्छता की आवश्यकता है,
और भारत का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ हो, इसकी भी आवश्यकता है। इसलिए स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का उद्घोष प्रधानमंत्री जी प्रायः किया करते हैं। भारत के इस विकास के लिए, इस रूप में प्रतिष्ठा के लिए संस्कृत में बहुत सारे सूत्र विद्यमान हैं। उनको ठीक से समझकर, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उनकी व्याख्या कर लोगों तक पहुंचाना, विश्व के प्रत्येक जन तक पहुंचाना हमारा कार्य होना चाहिए। यह अगर हम कर सके तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने का जो यह गौरव हमें प्राप्त हुआ, उसे हम चरितार्थ कर सकेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।